नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी और बहुत ही फ्रेश कमाल वीडियो दोस्तों। यहां पे मैं हूं फिलहाल मैक्लारेन टेक्नोलॉजी सेंटर में एक्सपीरियंस दोस्तों यहां पे कर रहा हूं वन प्लस का नया फोन जो कि है वन प्लस 60 मैक्लारेन एडिशन। और यहां पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं सल्यूट टू स्पीड की, काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने को, काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने को। तो यहां पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सीन अभी कुछ ऐसा है कि मैं हूँ फिलहाल अपने होटल में और यहाँ पे मैं आ गया था, मैक्लारेन वाला जो काम है वो पूरा मैं कर चुका था और अभी यहाँ पे मैंने लंदन का ट्रिप एक दिन के लिए एक्सटेंड किया है सिर्फ आपके लिए कि यार थोड़ा कुछ घूमते हैं, थोड़ा लंदन को एक्सप्लोर करते हैं। यार मौसम बहुत ही अच्छा है, दुबई में थोड़ी थोड़ी गर्मी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ठंड का माहौल है और मुझे ठंड अच्छी लगती है दोस्तों। ऐसे में आज देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल हूँ मैं यहाँ पे शॉर्डिच में, यहाँ से दोस्तों वेम्बले और आगे देखो इस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाला है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन, यहाँ से लेनी है ट्यूब। ट्यूब का मतलब मेट्रो यूके की लंदन की भाषा में। और उसके बाद दोस्तों जाते हैं वेम्बली, देखते हैं स्टेडियम कैसे है। मैं इससे पहले एमसीजी गया हूँ, मैं इससे पहले कैंप नाउ गया हूँ, तो मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़ा लगता है। लेकिन कुछ बोरिंग पार्ट्स पर तो आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में, जो अच्छा है वो, जो बोरिंग है उसको निकाल देंगे और बाद में देखते हैं कि ट्रिप कैसा बनता है। दोस्तों यहाँ पे वेम्बली पार्क आए, मेट्रो में टाइम लगा कुछ 30 मिनट के आसपास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हालांकि मैप्स में दिखा रहा है कि ये ओपन है शाम को 6 बजे तक और लास्ट टूर यहाँ पे ऑफिशियल जो है वो ख़त्म हो जाता है अभी सर्दियों में शाम 3 बजे। और फिलहाल जो टाइम है वो हुआ है सिर्फ 3:20, 20 मिनट की देरी से वेम्बली पार्क मिस हो गया। कुछ और देखते हैं लंदन में क्या एक्साइटिंग होता है। दोस्तों मैं हूँ फिलहाल यहाँ पे लंदन ब्रिज पर, यहाँ पे आप दोस्तों पीछे दूर वो है टावर ब्रिज और यहाँ पे रोशनी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी जगह आने को। लेकिन ठंड बहुत बहुत ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे दोस्तों बगल में है नदी और अब क्योंकि बगल में नदी है तो पानी इतना सारा है कि ठंड बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन पीछे जो टावर ब्रिज है उसका नज़ारा बहुत ही अच्छा है और एक बार वहाँ चलते हैं तब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लेकिन भाई ठंड ने ना हालत ख़राब की है, नॉर्मली वैसे मज़ा आ रहा है लेकिन क्या करें, ठंड भी लग रही है। दोस्तों क्या आप बिलीव करेंगे कि अभी रात नहीं हुई है, क्योंकि जो टाइम है ना वो है सिर्फ 4:30 और 4:30 ये आ रहे हैं और सनसेट जो है कुछ 1 घंटे पहले हो चुका है, मतलब 3:30 के आसपास। और अभी 4:30 हैं, पूरे शहर में सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हो बाहर तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। दोस्तों यहाँ पे मैं हूँ द फेमस टावर ब्रिज के सामने और टाइम हुई भी शाम के 5:30 ही बजे हैं, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है और दिखने में काफ़ी कमाल है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और बस लोग टहल रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ अभी खाना पीता हूँ उसके बाद मैं आगे कुछ और घूमता हूँ। फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा माहौल है, लेकिन क्या करें यार ठंड के मारे हालत भी धीरे धीरे ख़राब हो रही है। टेम्परेचर जो है फिलहाल कुछ 3-4 डिग्रीज के आसपास है, लेकिन जो फील हो रहा है वो हो रहा है जैसे भैया टेम्परेचर हो गया वो 0, लेकिन जो व्यू है पीछे का वो बहुत बहुत अच्छा है और मतलब मज़ा आ गया। आप कुछ टाइम लैप्स देखो, आपको वो भी काफी अच्छा लगेगा। हाइड पार्क में विंटर वंडरलैंड में और यहाँ पर दोस्तों जो जगह है ये कंप्लीट जो मेले का माहौल होता है सिर्फ दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास। तो अभी यहाँ पे चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हो रही है, काफ़ी सारे झूले हैं, काफ़ी सारे कमाल कमाल राइड्स हैं, लोग काफ़ी सारे, मतलब जो हम 4:30 देख रहे थे लंदन ब्रिज के आसपास के, मतलब बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया है, कुछ बचा नहीं है बाहर करने को। लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत कमाल चीज़ें हैं, एक दो तो राइड करता हूँ अगर कैमरा अलाउ किया तो मतलब मज़ा आ जाएगा, लेट्स सी क्या कमाल होता है। यार ऐसी जगह पे आगे ना कुछ करो या ना करो लेकिन एटलीस्ट आप अच्छा फील करते हो, बिकॉज आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो जा जाता है और हमको बोलते हैं कि भैया ये भी करो वो भी करो, लेकिन कुछ हो पाए ना हो पाए लेकिन एटलीस्ट माहौल अच्छा होता है, तो मतलब काफ़ी एनर्जी जो है वो अंदर से निकल निकल के आती है। दोस्तों फाइनली टाइम पहली राइड का और जो पहली राइड है वो है ये फेरिस व्हील, ऊपर से आई थिंक शायद अच्छा हमको व्यू मिलने वाला है।
झूले में ना मजा कम आया, ठंड ज्यादा लगी, बिकॉज ऊपर से यार ये पूरी इसकी जो विंडोज है वो क्लोज नहीं हो रही थी, और साइड से जो हवा आ रही थी ना, मतलब लगता अच्छा है लेकिन करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे पीछे ये सर्कस है और यहाँ पे लिखा है इट्स वार्म इनसाइड, तो बेटर कि यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं कि सर्कस कैसा है। सर्कस अच्छा ना भी हो तो कम से कम अंदर गर्माहट है, कम से कम उसी का मजा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों चारों तरफ जो जगह है ना, मतलब इतनी ज्यादा हैपनिंग है, लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हालांकि मैंने बहुत बार इसे एक्सपीरियंस किया, लेकिन आज का जो दिन था वो इतना मतलब अच्छा नहीं गया। स्टार्टिंग में प्लान था वेम्बली का लेकिन वो नहीं हो पाया, उसके बाद में बहुत जल्दी सनसेट के कारण मतलब शाम होती लगता है 4:30 बजे की, यार इतना अंधेरा हो गया वगैरह। तो अभी मतलब एक अच्छी जो है वो एंडिंग एटलीस्ट हो रही है दिन की ना, वो सोचिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों वापस से किस्मत ने धोखा दिया और जो सर्कस है उसका लास्ट शो एग्जैक्टली 9:45 पे था, और मैं जब काउंटर पे गया तो 9:46 सर्कस बंद हुआ। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे मैं जहाँ पे अंदर हूँ ये जगह काफ़ी गर्म गर्म है, और यहाँ पे कुछ कॉफ़ी शॉप वगैरह है, तो एटलीस्ट इसी से काम चल जाएगा, यही बहुत बढ़िया है अभी के लिए। ये जो पैटर्न है जहाँ से मैं चल रहा हूँ, लगता है कि भैया बहुत एक अच्छा सा ग्रैंड हमारे लिए हो रहा है एग्जिट वाला काम। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, और यहाँ पे ये सबसे अच्छा एरिया है शॉपिंग के लिए। और अभी दोस्तों प्लान कुछ ऐसा है कि मैं मतलब मेरी फ्लाइट पे निकलने वाला हूँ अपने होटल से 5 बजे। होटल मेरा यहाँ से कुछ आधे घंटे दूर है, मैंने सुबह चेकआउट किया रात को, मतलब यार कितनी थकान के बाद में क्या नींद आई है क्या बताऊँ। तो अभी यहाँ पे प्लान ये है कि मैं अभी करंटली जो टाइम है वो कुछ 2 बजे के आसपास है, कुछ खाता पीता हूँ, कुछ शॉपिंग मुझे करनी है, स्पेशली टॉयज मुझे खरीदने हैं मेरे भतीजे के लिए, वो काम खत्म करूँगा, मेरा काम खत्म, मेरा जो लंदन ट्रिप है वो सक्सेसफुल, उसके बाद में निकलना है सीधा होटल, होटल से एयरपोर्ट। यार काफ़ी सारा खाना पीना हो गया और अभी टाइम है कुछ जाके शॉपिंग कर लूँ, वरना मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, उसके बाद मौका नहीं मिल पाएगा। और जो तो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे को मेरे ड्राइवर का कॉल आया और मालूम चला कि मेरे होटल से जो एयरपोर्ट है गैटवेक वो कुछ 1:40 दूर है, जिसको मैं समझ रहा था कि वो सिर्फ 1 घंटे दूर है, तो मतलब मैं जब निकलूँगा उस टाइम पर फ्लाइट के लिए कुछ 3:30 होंगे। तो यार लास्ट मिनट में ऐसा ना हो कि मैं भाई लंदन में फंस जाऊँ, उसके बाद भी अगली फ्लाइट बुक करनी पड़े, और पता नहीं यहाँ पे क्या मैं अरेंजमेंट्स करूँगा, क्योंकि आने के बाद में दुबई मेरे को आगे भी कहीं और निकलना है। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी जाता हूँ जल्दी से मैं लेता हूँ टॉय, आसपास अभी अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, और आधे घंटे बाद तो वही हाल होगा जो दिखाया था मैंने कल 4:30 बजे भैया लंदन ब्रिज के पास में कि क्या हुआ था सीन, वही चीज़ें थोड़ी बहुत आज होने वाली हैं। एक बात आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखना, और हो सकता है बात आपको ऑलरेडी मालूम हो, कि जब आप खुद के लिए कुछ खरीदते हो तो आपको इतना मज़ा नहीं आता, मतलब ठीक है जो चाहिए था वो ले लिया और जो कुछ हो गया, लेकिन अगर आप किसी ऐसे के लिए कुछ खरीदते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, मतलब जिसे आप बहुत प्यार करते हो, या मतलब आप ना बाद में इमेजिन करते हो कि यार वो कितना खुश हो गया, उसका मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं लाइफ में कभी भी और कहीं पे भी। लाइट है दोस्तों, जस्ट अभी अभी भागते भागते बड़ी मुश्किल से लास्ट मोमेंट पे गाड़ी के लाइट ऑन करा के, ड्राइवर से बात करके, समझा के, मना के, बता के कि मैं क्या कर रहा हूँ काम, ये इतना बड़ा हथियार मेरे हाथ में क्या है कैमरा, फाइनली मैंने टिकटॉक्स को शूट कर लिया है। लेकिन अभी सिर्फ शूट ही किया है, अभी एडिट करना बाकी है, उसके बाद में अपलोडिंग का यार कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे यूके का जो इंटरनेट है वो मतलब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। और अभी टाइम हुआ है 5:10, लेकिन दोस्तों अभी हो चुका है पूरा का पूरा घना अंधेरा, तो मैं जाऊँगा अपना सामान लेता हूँ, उसके बाद में करता हूँ वीडियो को एडिट अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट के रास्ते में। आई होप कि आप तक समय से वीडियो पहुंचा पाऊँ, हालांकि ये ब्लॉग तो बाद में देख लें, लेकिन क्या करें यार यही होती है लाइफ, जब मैं निकलता हूँ कहीं बाहर बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक की, मतलब भैया क्या करें कैसे करें, टाइम कहाँ क्या, इंटरनेट क्या, टाइम जोन क्या, फ्लाइट कब, काम क्या, होटल चेकआउट, मतलब इतनी सारी बातें, थोड़ा प्यार दिखाओ यार, अच्छा लगता है देख के। लेट है दोस्तों, बात अभी कुछ ऐसी है कि मैं हूँ फिलहाल एयरपोर्ट लाउंज में, और मतलब मैं कैसे पहुँचा हूँ ना यहाँ पे मैं ही जानता हूँ यार, बड़ा रास्ते में ट्रैफिक मिला, टिकटॉक्स जो है वो मैंने शूट किया, एडिट किया, अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यार नेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे में एक तो लेट हो रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए वो एक बात है, टिकटॉक्स पोस्ट नहीं कर रहा हूँ वो एक और बात है, और ऐसे में अभी जो करंट टाइम है वो है कुछ 7:43, फ्लाइट की बोर्डिंग है 7:45, और मैं जस्ट 2 मिनट में लॉन्च में आया हूँ, मतलब मैं कुछ काम नहीं कर पाया, भागते भागते जैसे मैं एयरपोर्ट पहुँचा उस टाइम भी मैं लेट हो चुका हूँ, तो यार ना मैं लैपटॉप खोल पा रहा हूँ, ना मैं कुछ और अपना काम कर पा रहा हूँ, तो जैसे तैसे सिक्योरिटी वगैरह कंप्लीट करते हुए रात को 1 बजे टिकटॉक्स पोस्ट किया है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि चाहे जो हो जाए वीडियो तो आएगा ही, तो वीडियो फिर आ चुका है, लेकिन अभी दिन भर की बहुत सारी थकान है, तो एट द एंड करना ये है कि सीधा जाके फ्लाइट बोर्ड करनी है और ऐसे में सो जाना है, सुबह जब दुबई पहुंचूंगा तब जाके उम्मीद है टाइम काफ़ी अच्छा होगा, चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, और उसके बाद में कुछ और नई वीडियोस जो है वो आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे।
वापस से दोस्तों वही नज़ारा और ये है एमिरेट्स एयरबस A380 का शावर एरियर, इसको आप कर सकते हैं एंजॉय अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में। इसको बोलते हैं सुकून का काम और उसके बाद में अभी सुकून की नींद एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, ताकि कल सुबह पहुंचते आपके यार और वीडियोस बना पाऊं, वरना पता नहीं कितना ट्रैवल होता है, कितनी वीडियोस बनती हैं और ऐसे में आप ही जानते हो यार कि कैसे काम हो पाता है। मतलब मज़ा आता है और आप जब प्यार देते हो तो और मज़ा आता है। इसी बात पे थोड़ा सा प्यार दे दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। तो ये वाली जर्नी मेरी कंप्लीट नहीं हुई और जस्ट अभी आता है ईमेल कि अगली फ्लाइट के लिए चेक इन जो है वो ओपन हो गया। मतलब यार क्या बताऊँ, बहुत उसमें ज़्यादा अभी मज़ा आने वाला है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो टाइम है ना, मतलब इसमें इतना सारा अपन कमाल काम करेंगे कि आप देखना कि आपको आगे जाके मतलब क्या क्या और इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगी, मैं किन किन लोगों से मिलने वाला हूँ, क्या क्या काम करने वाला हूँ, मतलब तो बहुत सारा कमाल धमाल अभी होने वाला है बहुत जल्दी। कुछ चीज़ें आपने खुद ने डिमांड की थी जो मैं कंप्लीट करूँगा आपके लिए, कुछ चीज़ें मेरी खुद की मर्जी थी जो मैं कंप्लीट करूँगा, तो मतलब सारा कुछ मिला के यार बड़ा मज़ा सा आ जाएगा। और अभी मतलब बस टाइम हो गया यार, सोने का खाना पीना हो गया पूरा का पूरा, लगता है कि मैं सो जाऊँ थोड़ा सा 2-3 घंटे इससे पहले कि मैं कुछ और काम में लग जाऊँ, बैटरी थोड़ा सा रेस्ट हो जाए ताकि उसके बाद में पहुँच के अपने बाकी काम कर पाऊँ। टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब लेटे होते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है टर्बुलेंस का, कि मतलब दिमाग में तो मालूम है कुछ होने वाला है नहीं, तो मतलब ऐसे में ना मतलब बस एंजॉय करो, उस लगता है थोड़ा मतलब फ्री का झूला सा मिल रहा है यार। तो दोस्तों बस आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और शेयर करते रहिए, कमेंट नीचे डालते रहिए। आप दोस्तों आपके क्या होती है मन की बातें वो आप मुझे लिख के बताते रहिए, मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपका जो फीडबैक है उसको काफ़ी अच्छे से दोस्तों लेता हूँ, करता हूँ इम्प्लीमेंट अपने आने वाली वीडियोज़ के लिए। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।